नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, चुनाव प्रचार के लिए कल का दिन अंतिम था। सभी पार्टियों ने अपने अपने ढंग से पार्टी का प्रचार भी किया। इस चुनावी दंगल में मुख्य पार्टियों से लेकर के क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपना जोर लगाया। चुनाव प्रचार के बेहतरीन और अनोखे तरीके थे। विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार पूरी तरह थम चुका है। यहाँ 21 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा, जबकि 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि भाजपा फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस दोबारा अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान इन दलों ने एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने बाकी दलों को पीछे छोड़ दिया। हरियाणा मानो पूरी तरह से कुरुक्षेत्र बन चुका था। एक ऐसा चुनावी महाभारत जिसमें एक दूसरे पर तंज और कटाक्षों से भरा हुआ। भाजपा का और उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने और नितिन गडकरी जैसे कई दिग्गज नेता इसमें जुटे हुए थे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जबकि राष्ट्रवाद और भारत पाकिस्तान की इन सभी बातों में कांग्रेस प्रचार में कमजोर नजर आई। आपको बता दें कि भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस, जेजेपी, हजका, इनेलो, ये सारी पार्टियां हालांकि कमजोर नजर रही थी, जबकि जेजेपी ने अपना प्रचार प्रसार खूब किया। यहां तक कि कई बड़ी रैलियों का भी आयोजन किया। इन पार्टियों की इन रैलियों में भारी जनसमूह भी देखने को मिला था। वहीं इनेलो ने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े दिग्गज नजर आए। सांसद सनी देओल और हेमा मालिनी भी ने भी रोड शो किए। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया, यहाँ तक कि उन्होंने कई रैलियों को संबोधित भी किया। उनका मुख्य फोकस आर्थिक मंदी ही रहा और उन्होंने मोदी सरकार पर तीखे सवाल भी दागे। वहीं कांग्रेस में फूट के चलते वह कमजोर नजर आई। आपको बता दें कि मतदान के मद्देनजर यहाँ पर 75,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा चुका है। आइए देखते हैं चुनाव प्रचार के दौरान कुछ खास झलकियां पल पल की इस विशेष रिपोर्ट में। उसमें आप कांग्रेस के उम्मीदवार मेरे पूज्य पिताजी पंडित दोसारीलाल शर्मा को हाथ के निशान का बटन दबाकर विजयी बनाए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मेरे पूज्य पिताजी पंडित दोसारीलाल शर्मा पिछले 45 वर्षों से आपके साथ सुख दुख के भागीदार रहे हैं और हमेशा ही हरेक आदमी की, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पिछड़ा वर्ग का हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबके दुख सुख में भागीदार रहे हैं और आप लोगों के बीच में 24 घंटा उपलब्ध रहे हैं। आज भी सिरसा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के लिए हमारे घर के दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं। मेरे पिताजी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी, कभी पार्टी की राजनीति करी, दलगत राजनीति से और जात पात से उठकर आप लोगों का साथ दिया है और उम्र के इस पड़ाव में मेरा पिताजी का ये आखिरी चुनाव है और आपको पता ही है कि मेरे पिताजी 45 सालों से आप हमेशा ही हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों या अन्य लोगों के लिए वोट मांगते रहे हैं, परंतु ये उनका पहला और आखिरी चुनाव है। तो मैं आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप उम्र के इस आखिरी पड़ाव में मेरे पिताजी की, सिरसा विधानसभा क्षेत्र की, सभी जनता की आप लाज रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। दलितों को गुमराह करने वालों को पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज को उकसाने के लिए झूठ का सहारा लेने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे जो वाल्मीकि भाई बहन रहते थे, अगर उनका बेटा ग्रेजुएट हो जाए, डबल ग्रेजुएट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन वाल्मीकि परिवार के बेटों को जम्मू कश्मीर सरकार में उसके हक की नौकरी भी नहीं दी जाती थी। और कारण क्या था? कारण 370 था, 35 ए था और उसके कारण जम्मू कश्मीर की धरती पर वाल्मीकि समाज की चार चार पीढ़ी। आपने भी कहा कि
आखिरी मिनट में मुझे बताया गया और मैं आ गया। अगर आपने मुझे आखिरी सेकंड भी कभी बुलाया तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। देश की हालत तो आप जानते हैं, आपके सामने है, आपसे कुछ छुपाया तो नहीं जा सकता। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, आप युवा से पूछिए क्या करते हो, ऐसे हाथ हिला के जवाब देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, काम ही नहीं बचा। छोटे दुकानदार के पास जाइए, स्मॉल बिजनेस वाले के पास जाइए, मिडिल साइज बिजनेस के पास जाइए, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनसे पूछिए आपका काम कैसा चल रहा है। आपसे कहेंगे देखिए नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। और हरियाणा में प्रधानमंत्री जी की सात रैलियां हुई हैं और इसी प्रकार से अमित शाह जी के भी कोई 12-13 रैलियां हुई हैं। सबके अंदर अभूतपूर्व हमको एक मिला है समर्थन, और मैं समझता हूं कि हमारा जो टारगेट है 75+ का टारगेट, हम निश्चित रूप से इसको पार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 90 उम्मीदवारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं वही आज की इस मेरी बाइट का जो मुख्य हिस्सा है वो मैं बोल देता हूँ। मैं हरियाणा की जनता को सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि चुनाव प्रचार अभियान निर्विघ्न सभी जगह पर पूरा हुआ है। सब पार्टियों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया और जनता ने भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आकर के विचार सुने, लेकिन कई बार चुनाव प्रचार अभियान में भी कई गड़बड़े हो जाती हैं, लेकिन किसी विधानसभा से किसी कोने से कोई ऐसा समाचार नहीं मिला कि चुनाव प्रचार के अभियान के अंतर्गत किसी प्रकार की गड़बड़ हुई हो। मैं इसके लिए जहां जनता को बधाई देता हूं, जहां उनका आभार प्रकट करता हूं, वहां प्रशासन का भी आभार प्रकट करता हूं। चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज को हैंडल किया है, चाहे प्रशासन चुनाव आयोग मिल करके उन्होंने हरियाणा का अभी तक का चुनाव प्रचार का जो काम हुआ है उसको बहुत अच्छे प्रकार से संभाला है। और मैं जनता को अपील करता हूं कि चुनाव में मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य हमारा हर व्यक्ति मतदान पेटी तक जाए, ये तो हमारा कर्तव्य है। मत पेटी पर जाकर किसको वोट दे ये मतदाता का अधिकार है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें, अधिकार को भी एक्सरसाइज करें। वहां जाकर के हमारे जो काम को देखते हुए हम तो अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को मतदान। प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। 100% चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते, सारे दिन घूमते हैं तो मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा बढ़िया पता है। बगैर धन बल के, बगैर किसी चीज़ के बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। उसमें एनएलए प्रवक्ता ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए गुरुजी की पैरोल के ऊपर कुछ कमेंट्स किए। हम उनसे इस बात पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू से ही सजा सच्चा सौदा के अनुयायी रहे हैं। और यहाँ तक के गोकुल है, गोकुल का सवाल है, ये तो सच्चा सौदा स्कूल में पढ़ा है, उनके आशीर्वाद से वहीं पढ़ा है, वहाँ लिख के बड़ा हुआ है और राजनीति में आया है। हाँ, ये उनका स्टैंड किस तरह से उन्होंने बयान दिया,
ये वो ही स्पष्ट कर सकते हैं। हमारा तो अगर मेरा दोनों का एक मकसद है कि इस प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस, भाजपा सत्ता से बाहर हो और कांग्रेस सत्ता के नज़दीक फटके नहीं, क्योंकि जिस ढंग से लगातार पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस में कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तंवर साहब के साथ जो व्यवहार रखा, उसके बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब कांग्रेस ने सरेआम अपनी टिकटें बेचनी शुरू करी तो मान करके चलो जो भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी को सींचता है, कोई पार्टी के लिए लड़ता और मरता है, फिर उसको इस बात को लेकर के बड़ी तकलीफ होती है और फिर कोई ना कोई मजबूर होकर के बड़ा फैसला लेना पड़ता है। आज जो इन्होंने फैसला लिया, मैंने तो उसी दिन स्वागत किया था जब इन्होंने ये फैसला लिया कि ऐसे लोगों की वर्चस्व कांग्रेस के ऊपर हावी होगी जो कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रहे थे, ये कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे। अब